नमस्ते दोस्तों, दीपक ऑटो सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बजाज डिस्कवर 125 ST के चेन स्प्रॉकेट के बारे में। ये देखिए बजाज डिस्कवर मेरे पास खड़ी हुई है। इसका चेन स्प्रॉकेट का हमेशा प्रॉब्लम होता है, हमेशा चेन स्प्रॉकेट में आवाज़ आता रहता है। आपको जल्दी जल्दी इसे चेंज करवाना पड़ता है और आप चेंज करवाने के बाद भी आपको 8-10 हज़ार किलोमीटर के बाद फिर से रिप्लेस करने का नौबत आ जाती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रॉब्लम का हमेशा से छुटकारा कैसे पाएं। जिन लोगों के पास ये बाइक होगी वो लोग भली भांति जानते होंगे कि इसके चेन स्प्रॉकेट का हमेशा प्रॉब्लम आता है। और जब भी आप इसी कंपनी की दूसरी चेन स्प्रॉकेट लगाते हैं तो आपको फिर से 8-10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाता है। ये जो गाड़ी है, जिस कस्टमर की ये गाड़ी है, उन्होंने कहा कि 8-10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद मुझे बार बार चेन स्प्रॉकेट चेंज करना पड़ता है, तो कोई दूसरा उपाय लगाया जाए कि इसका चेन स्प्रॉकेट बदलने का नौबत ना है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। ये देखिए, ये पुराना वाला है, ये पुराना चेन स्प्रॉकेट है, ये पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, इसका अभी भी इसका जो फ्लाइव्हील है, स्प्रॉकेट जिसे बोलते हैं, इसका सारा दांत अभी भी सही है। ये छोटी वाली है। इसमें आपको कौन सी गाड़ी का लगाने से बेहतर रहेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आप बजाज डिस्कवर 125 का ना लगाएं, इसमें आप लगाएं CVZ एक्सट्रीम की चेन स्प्रॉकेट। ये जो चेन स्प्रॉकेट देख रहे हैं मैंने लगाया है, ये CVZ एक्सट्रीम की है, 43 दांत है इसका फ्लाइव्हील का, और एक्सेप्ट लिंक है इसका चेन का। और आगे का ये जो स्प्रॉकेट है, ये आपको CVZ का फ्रंट स्प्रॉकेट निकाल कर आपको स्प्लेंडर का डालना होगा। और ये जो लॉक पत्ती देख रहे हैं आप, इसे मैंने चेंज किया है, ये लॉक पत्ती भी स्प्लेंडर का आपको डालना होगा। और ये जो बोल्ट है ये मैंने 10 नंबर डाला है, एलंकी बोल्ट है, जो 5 नंबर का ये खुलता है, बट इसका थ्रेड 10 नंबर होता है, और जो पुराना बजाज का होता है उसका थ्रेड 8 नंबर का होता है। तो आपको चेंज क्या करना है, ये स्प्लेंडर का डालना है, ये पत्ती आपको स्प्लेंडर का डालना है, ये पत्ती आपको हल्का सा घिस कर इसे मोटाई जो है इसका इसे हल्का पतला करना पड़ेगा, वो आप फाइल या ग्राइंडर से घिस सकते हैं। और ये जो चेन किट है आपको, ये आपको हंग का लगाना पड़ेगा, हंग का एक्सट्रीम का एक ही होता है, आप एक्सट्रीम का लगाइए हंग का लगाइए, दोनों का सेम होता है। और अगर आप एक्सट्रीम का चेन स्प्रॉकेट इसमें डाल देंगे तो आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा और गाड़ी भी आपकी फ्री चलेगी। ऐसा होता है कि इसका जो चेन स्प्रॉकेट होता है कंपनी का, वो ओरिंग लगा हुआ रहता है, इस प्रत्येक लिंक में ओरिंग लगा हुआ रहता है, इस कारण ये थोड़ा जाम चलता है। जो पीछे का व्हील है ये हमेशा जाम चलता है, और जाम चलने के कारण क्या होता है कि माइलेज में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गाड़ी सही नहीं है, बट छोटी मोटी फॉल्ट तो किसी गाड़ी में होती ही है, कहीं ना कहीं किसी में लाइट का प्रॉब्लम है, किसी चेन स्प्रॉकेट का प्रॉब्लम है, किसी में इंजन का प्रॉब्लम है, किसी का व्हील का प्रॉब्लम है, किसी न किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कंपनी से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका चेन स्प्रॉकेट आप अगर CVZ एक्सट्रीम का डाल देंगे तो आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने ये वाला चेन स्प्रॉकेट लगाया है, CVZ एक्सट्रीम हंग 150 cc, 906 रुपये इसका लिस्ट है, बट इसमें लेस भी होता है, वो जगह जगह पर डिपेंड है कि कितना कहाँ पर लेस होता है। तो ये मैंने चेन स्प्रॉकेट डाला, इसमें पहले बजाज का लगा हुआ था जिसे मैंने निकाल दिया है क्योंकि वो बराबर प्रॉब्लम कर रहा था। इसका व्हील को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये फ्री है, और पहले का जो ये चेन स्प्रॉकेट था ये हमेशा व्हील को जाम किए हुए रहता था, जिस कारण गाड़ी फ्री नहीं चलती थी, और फ्री नहीं चलती थी तो थोड़ा माइलेज का भी प्रॉब्लम आता था। आप अगर CVZ एक्सट्रीम का इसमें डाल देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। इसका पीछे का जो स्प्रॉकेट है इसे आपको इस हब में डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं इसका स्प्रॉकेट जिसमें टाइट रहता है उस हॉल में प्रॉब्लम होगा, या बीच वाला ड्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से ये चला जाता है और इसे फुल टाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कटिंग शटिंग करवाना पड़ेगा, ये स्प्रॉकेट आपको आराम से जाएगा। चेन, ये जो चेन है ये भी आपको छोटा नहीं होगा, ये चेन बराबर ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको काटना पड़े या बड़ा करना पड़े। सिर्फ आपको चेंजिंग क्या करना है, चेंजिंग सिर्फ आगे का स्प्रॉकेट में करना है। CVZ का ये जो होता है बीच वाला हॉल ये बड़ा होता है, इसे आप जो स्प्रॉकेट के साथ में आएगा उसे निकाल दें और हीरो की ओरिजिनल स्प्रॉकेट डाल दें इसमें,
और ये दो बोल्ट है, ये आप चेन कवर वाला भी डाल सकते हैं या उसका स्पोकर वाला भी ले सकते हैं। सिर्फ इस पत्ती को आपको हल्का घिसना पड़ेगा, मैंने ग्राइंडर से इसे घिसा ताकि ये लग जाए, क्योंकि बजाज का जो स्पोकर होता है इस जगह पे दबा हुआ रहता है ताकि स्पोकर में आसानी से लग जाए, इसलिए मैंने इस पत्ती को थोड़ा सा घिस के पतला किया ताकि ये लगने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक अपनी गाड़ी में करेंगे तो ये समस्या का आपका समाधान हो जाएगा, जिसे आप बराबर झेलते होंगे, बार बार चेन टाइट करवाना पड़ता होगा, बार बार का ये प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको और भी जानकारी दूंगा, तब तक के लिए शुभ दिन।